लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे जबड़े के कैंसर में क्या लक्षण महसूस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शरीर के सभी अंग जब सही तरह से कार्य करते हैं तभी किसी व्यक्ति को स्वस्थ समझा जा सकता है। बाहरी संक्रमण और बैक्टीरिया से बचाने के लिए हमारे शरीर में नेचुरल रूप से इम्यून सिस्टम बना होता है। इसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बाहरी बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती हैं। लेकिन कई बार शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाते हैं। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। इस स्थिति को कैंसर भी कहा जाता है। आपको जबड़े के कैंसर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस समस्या में मरीज को बोलने, चबाने व चेहरे को हिलाने में भी परेशानी हो सकती है। जबड़े के कैंसर के लक्षण क्या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। लगातार दर्द होना। जबड़े के कैंसर के शुरुआती और सबसे आम लक्षणों में से एक है जबड़े या मुंह में लगातार दर्द होता है। यह दर्द समय के साथ धीरे धीरे तेज हो जाता है। यह दर्द निवारक दवाओं से दर्द में आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर ही कुछ उपाय बता सकता है। वो भी कब, जब वो चेक करेगा कि आपका किस स्टेज पे है, सब चेक करने के बाद ही बता सकता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ लक्षण बता रहा हूँ जबड़े के कैंसर के, क्या अगर है तो क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे आप अपने आप को संभाल सकें, केयर कर सकें और डॉक्टर से सही इलाज करा सकें। दूसरा रीजन है सूजन और गांठ। जबड़े या गर्दन के पास सूजन या गांठ होना जबड़े के कैंसर का संकेत हो सकता है। ये गांठें पहले दर्द रहित हो सकती हैं लेकिन किसी भी तरह से गांठ के बढ़ने पर आप सावधानी बरतें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तीसरा रीजन हो सकता है चबाने और निगलने में कठिनाई। जबड़े का कैंसर जबड़े के सामान्य कार्य में बाधा डाल सकता है जिससे चबाने और निगलने में कठिनाई हो सकती है। व्यक्तियों को भोजन करते समय असुविधा का अनुभव हो सकता है या उनके गले में कुछ फंसने का एहसास हो सकता है। अगला रीजन है सांस से दुर्गंध आना। मुंह से दुर्गंध आना जो ओवल हाइजीन के बाद भी कम नहीं होती है जबड़े के कैंसर का संकेत हो सकती है। ट्यूमर होने पर बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सांसों में दुर्गंध आ सकती है। बोलने में बदलाव होना। जबड़े को प्रभावित करने वाला कैंसर बोलने के लिए जिम्मेदार मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकता है। बोलने के पैटर्न में बदलाव, अस्पष्ट शब्द या कुछ शब्दों के उच्चारण में कठिनाई इस समस्या का संकेत हो सकता है। चेहरे की बनावट में बदलाव आना। जैसे जैसे जबड़े का कैंसर बढ़ता है ये जबड़े के आकार बदलने लगता है, ऐसे में चेहरे की बनावट में बदलाव आने लगता है। चेहरे की बनावट में असमानता या बदलाव की जांच की जानी चाहिए, खासकर यदि अन्य लक्षण भी हो तब। जबड़े के कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है वो भी आपको बता रहा हूँ। जबड़े के कैंसर की पहचान के बाद डॉक्टर इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इसके इलाज का तरीका कैंसर की मौजूदा स्थिति के आधार पर किया जाता है जिसमें आगे बताए तरीकों को शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले है सर्जरी। ट्यूमर और प्रभावित ऊतकों को हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। कैंसर के आधार पर सर्जन जबड़े की हड्डी को आंशिक या पूर्ण रूप से हटा सकते हैं जिसे मैटबुलोटोमी के रूप में जाना जाता है। अगला है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए हाई एनर्जी वेव्स का प्रयोग करती है। इसका उपयोग ट्यूमर को सर्जरी द्वारा हटाने से पहले छोटा
करने के लिए भी किया जा सकता है। अगला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सख्तसली दवाओं का उपयोग किया जाता है। जबड़े के कैंसर के एडवांस केस या जब कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया हो तो अक्सर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगला रीजन है टारगेट थेरेपी। यह उपचार विकल्प कैंसर के विकास और प्रगति में शामिल मॉलिक्यूल्स को टारगेट करता है। टारगेट थेरेपी का उपयोग कैंसर सेल के सिग्नल को बाधित करने और उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने तथा उन्हें नष्ट करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाकर काम करती है। इससे जबड़े के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर का इलाज किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको कैंसर के बारे में बहुत कुछ नॉलेज इससे मिलेगी। अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो भी आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।